नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आस्था, अंधविश्वास या फिर कुछ और, 133 दिनों बाद भी समाधि से नहीं लौटी साध्वी आशुतोष शांबरी, शिष्यों को अभी भी इंतजार है। तर्क, साइंस, व्यवहारिकता और सिस्टम के पैमानों पर आप इसे जो भी मानते हो, लेकिन आशुतोष शांबरी के शिष्य है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अब जिंदा नहीं है, बल्कि उनके शिष्य इस हालत को समाधि का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब से कुछ दिनों के बाद वो इस समाधि से खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। लखनऊ के आश्रम में साध्वी आशुतोष शांबरी ने एक महीने पहले ये कहते हुए समाधि ले ली थी कि वे अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से वापस लाएगी, लेकिन अब एक महीना 33 दिन बीत चुका है मगर अभी साध्वी समाधि से वापस नहीं आई है। इस भयानक गर्मी में किसी भी चीज को सुरक्षित रख पाना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन पिछले 133 दिनों से एक साध्वी का शरीर एक ही जगह पर जस का तस रखा है। साध्वी के शिष्य इसे समाधि कहते हैं और उनके शरीर पर कोई रहस्यमय लेप लगाते हैं। क्या फिर क्लिनिकली डेड करार दी जा चुकी इस साध्वी का सच कुछ और है? वो समाधि है, अंधविश्वास है या फिर कुछ और, जिस 50 डिग्री के टेम्परेचर में इंसान के लिए एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, बाहर चलती हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल है। उसी भयानक गर्मी में एक महिला का शरीर एक आश्रम में पूरे 133 दिनों एक ही जगह पर जस का तस यूं ही रखा है। डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डेड बता चुके हैं। वो ना तो सांस लेती है, ना खाना खाती है, ना अपनी जगह से हिलती है और ना ही उनकी धड़कन ही चल रही है, लेकिन इनके बावजूद उनका शरीर है कि खराब नहीं होता। हैरानी ये भी है कि उनका शरीर ना तो किसी बर्फ की सिली पर रखा है और ना ही डीप फ्रीजर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद उनके शरीर में ना तो कोई अकड़न है और ना ही उसके खराब होने के कोई संकेत। तर्क, साइंस, व्यवहारिकता और सिस्टम के पैमानों पर आप इसे जो भी मानते हो, लेकिन उनके शिष्य है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अब जिंदा नहीं है, बल्कि उनके शिष्य इस महिला की इस हालत को समाधि का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब से कुछ दिनों के बाद वो इस समाधि से खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ये अजीबोगरीब कहानी है लखनऊ के आनंद आश्रम की, जहां आशुतोष महाराज के एक शिष्या साध्वी आशुतोष शांबरी पिछले 133 दिनों से एक ही जगह पर यूं ही बिना हिले डुले और बिना कोई रोजमर्रा का काम किए जस की तस लेटी है और उनके आश्रम के लोग है कि ये बता रहे हैं कि साध्वी समाधि में है। समाधि का मकसद विश्व कल्याण के साथ साथ उनके अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से वापस लाना है। वैसे साध्वी के अनुयायी चाहे जो कहे, इस समाधि की असली कहानी ये है कि जब साध्वी आशुतोष शांबरी समाधि में गई थी तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ एक महीने यानी 30 दिनों तक का वक्त ही तय किया था। उन्होंने कहा था कि महीने भर में वो समाधि से लौट आएगी, लेकिन वक्त गुजरता रहा और समाधि 30 दिनों से अब 133 दिनों में पहुंच गई, लेकिन इस समाधि से वो वापस कब और कैसे लौटेगी ये कोई नहीं जानता। इन हालात में साध्वी का शरीर आश्रम के एक कमरे में पिछले 90 दिनों से एक जगह पर यूं ही जस का तस रखा है, जहां इस भीषण गर्मी में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खास तौर पर एसी और पंखों का इंतजाम किया गया है। साथ ही उनके शरीर पर आश्रम के अनुयायी खास किस्म के जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे हैं। डॉक्टर साध्वी आशुतोष शांबरी के शरीर की एक बार नहीं कई बार जाँच कर चुके हैं। इनमें प्राइवेट से लेकर कई सरकारी डॉक्टर तक शामिल है और लगभग सारे के सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि साध्वी के शरीर में अब जीवन के कोई अंश मौजूद नहीं है। तो क्या सिर्फ किसी जड़ी बूटी के लेप के सहारे उनके शरीर को इतने दिनों तक इस गर्म मौसम में सुरक्षित रखना मुमकिन है? इस सवाल पर दुनिया का जवाब चाहे जो भी हो, आश्रम के अंदर साध्वी के शिष्य कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। उनके शिष्यों की माने तो अब मौसम को देखते हुए उनके शरीर पर हर रोज जड़ी बूटियों का नया लेप लगाया जाता है, जिसमें हल्दी,
चंदन कुमकुम के साथ कस्तूरी भी मिला होता है। वैसे इस लेप की पूरी रेसिपी क्या है इस पर आश्रम के अनुयायी खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।